हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गार्गी। टुडेज टॉपिक इज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पार्ट 4। टुडे वी विल डिस्कस द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज एम्स एट एसर्टेनिंग वेदर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, वैल्यूड, क्लासिफाइड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। द ऑडिटर शुड सी दैट दे आर करेक्टली स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। तो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑडिटर शुड सी, उसे देखना होता है कि जितनी भी लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो की गई हैं वो प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है कि नहीं की गई है, उनका क्लासिफिकेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है, कि विच लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड विच आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और उन्हें प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है डिटरमाइन वैल्यूएशन की हुई है कि नहीं हुई है। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑडिटर शुड वेरीफाई वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक सर्टिफिकेट्स, लेटर्स, एग्रीमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स आर टू बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। नाउ फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स। द ऑडिटर विल चेक द अकाउंट्स ऑफ द क्रेडिटर्स। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स सबसे पहले वो अकाउंट्स चेक कर लेगा क्रेडिटर्स के एंड विल कंपेयर दैट इट विद द परचेज लेजर। फिर उसकी वो उसको वो कंपेयर करेगा विद द परचेज लेजर। हमें जिनको पैसे देने होते हैं बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए वो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। उन ट्रेड क्रेडिटर्स से हमने कुछ परचेज किया होता है तो उस परचेज लेजर में जो ट्रांजेक्शन जो एंट्रीज होती हैं उसको मैच किया जाता है विद द अकाउंट्स ऑफ द क्रेडिटर्स। ही विल कंपेयर द अकाउंट्स, फिर वो अकाउंट्स को कंपेयर करेगा विद द इनवॉइसेस, बिल्स, रिसिप्ट्स, क्रेडिट नोट्स एंड द स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट ही विल वेरीफाई देयर बैलेंसेज एंड विल ट्रेस दैम टू द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। ये वेरीफाई करेगा कि क्रेडिटर्स के अकाउंट्स में जो बैलेंस अवेलेबल है वो अवेलेबल की वो मैचिंग करेगा विद द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, कि जितने जितने क्रेडिटर्स के अकाउंट बैलेंस दिखाए गए हैं क्या उतने ही क्रेडिटर लिस्ट में भी शो हो रहे हैं। ऑडिटर विल चेक द एडिशनल लिस्ट, वो ये भी चेक करेगा कि लिस्ट के अंदर कोई एडिशन है जो क्रेडिटर्स का, उसको भी प्रॉपरली चेक करेगा। ही विल फाइंड द डिफरेंसेस इफ एनी बिटवीन द फिगर्स ऑफ द क्रेडिटर स्टेटमेंट एंड द बैलेंस ऑफ द लेजर। अगर कोई डिफरेंस होगा फिगर्स में जो स्टेट क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट में है या फिर जो लेजर में बैलेंस में, अगर इन दोनों फिगर्स में कोई भी डिफरेंस है तो वो इजीली उसको फाइंड आउट कर लेगा। फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द बैलेंसेस ऑडिटर में सेंड द बैलेंस स्टेटमेंट टू द क्रेडिटर। कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि जो बैलेंस शो किए गए हैं अकाउंट्स में क्रेडिटर्स के वो बिल्कुल सही है, वो ट्रेड क्रेडिटर्स जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और उन्हें कम्युनिकेट कर सकता है और उनसे वो उनके पास वो बैलेंस की स्टेटमेंट्स भी सेंड कर सकता है फॉर द कंफर्मेशन। ऑडिटर विल ऑल्सो चेक द एंट्रीज ऑफ द गुड्स इनवर्ड बुक, कि कितने कितने जो गुड्स इनवर्ड किस लिस्ट में कितने गुड्स हैं एंड कंपेयर इट विद द परचेज लेजर, फिर उसको भी परचेज लेजर के साथ वो कंपेयर करें कि जो परचेज लेजर के अंदर गुड्स शो हो रहे हैं वो गुड्स इनवर्ड में भी शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स। ऑडिटर शुड चेक द एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर गेटिंग लोन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा एग्रीमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो लोन को लेने के लिए कंपनी ने बनवाए। इन केस ऑफ बैंक लोन एंड ओवरड्राफ्ट ऑडिटर शुड एग्जामिन द एग्रीमेंट विद द बैंक। अगर बैंक से कोई लोन लिया है तो उससे रिलेटेड एग्रीमेंट वो चेक करेगा ऑडिटर, और अगर ओवरड्राफ्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कोई है लोन तो उसके लिए भी वो सारा एग्रीमेंट चेक करेगा। फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय द ऑडिटर। फर्स्ट टू फाइंड आउट द बोरिंग, सबसे पहले वो बोरिंग पावर जो है फर्म की उसको फाइंड आउट करने के लिए वो एग्जामिन करेगा लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के पास कितना लोन लेने के लिए पावर है। ऑडिटर शुड चेक द रेजोल्यूशन भी चेक करेगा जो डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है कंपनी के लिए फॉर ऑब्टेनिंग लोन, उसे भी वो चेक करेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट प्लान और ड्यूरेशन को भी चेक करेगा। वो कंफर्मेशन लेगा
लोन की कंफर्मेशन को भी वो चेक करेगा ऑडिटर, कि जहां से उसने लोन लिया है क्लाइंट ने, उसके साथ भी कम्युनिकेट करके वो कंफर्मेशन ले सकता है अबाउट द लोन अमाउंट. ही शुड प्रिपेयर द मूवमेंट ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर. वो प्रिपेयर वो ये भी चेक करेगा कि कितना अकाउंट्स जो है विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर कितनी बार मूवमेंट हुई है, कितनी बार लोन लिया गया है और कितनी बार उसकी रीपेमेंट हुई है. ही शुड ऑल्सो वेरीफाई द इंटरेस्ट. वो ये भी वेरीफाई करेगा कितना जो है इंटरेस्ट पे कर चुकी है कंपनी और कितना भी पे करना है. वेरिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स. If a company is in needs of funds, it borrows money from the public, such a company issues an acknowledgement of debt to the person from whom it has borrowed. Such an acknowledgement of debt is called debenture. सबसे पहले यहाँ पर definition बताई गई है कि debenture किसे कहा जाता है. जब हम किसी से भी public से जब हम कोई भी company borrow करती है money, तो उसके against वो issue करती है एक acknowledgement, certificate की form में होता है वो, और उसे कहा जाता है डिबेंचर. एवरी कंपनी विच इज प्रपोजिंग टू इशू डिबेंचर्स टू द पब्लिक शुड इशू ए प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस. जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को, उससे उसके लिए उसे एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है या फिर स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस. अब डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करने हैं वो कौन कौन से करने हैं फॉर द डिबेंचर. फर्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो बताएगा कि कंपनी को डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी है या नहीं है, और अगर अथॉरिटी है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना है उसका. ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हैज बीन मेड. जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, जो कि एक जरूरी पार्ट है इशू ऑफ डिबेंचर का ही, तो उसके लिए भी कोई प्रोविजन कंपनी ने बनाया हुआ है. उसके बाद वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस. फिर वो चेक करेगा डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि जब भी वो डिबेंचर इशू करती है कोई भी कंपनी, तो उसे अप्लाई करना होता है स्टॉक एक्सचेंज में भी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन को भी वो चेक करेगा. अलॉटमेंट बुक को भी वो चेक करेगा कि कितनों को जो है डिबेंचर अलॉट किए गए हैं. डायरेक्टर्स मिनट बुक. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिबेंचर के इशू को लेकर जो मीटिंग होती है उसकी मिनट बुक को वो चेक करेगा, कैश बुक को चेक करेगा, डिबेंचर रजिस्टर को वो चेक करेगा. डिबेंचर रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड होता है डिबेंचर होल्डर्स का. डिबेंचर ट्रस्ट डीड को वो चेक करेगा, वो एग्जामिन करेगा कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड अच्छे से प्रॉपरली जितनी भी जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग मेंटेन की गई है कि नहीं की गई है, और इंश्योर दैट द कंपनी हैज सेटिस्फाइड द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द ट्रस्ट डीड. ट्रस्ट डीड इज लाइक फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द डिबेंचर इशू. डिबेंचर इशू की सिक्योरिटी के लिए ट्रस्ट डीड जो है कंपनी क्रिएट करती है, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट या जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी ऑडिटर अच्छे से वेरीफाई करता है कि हु आर द ट्रस्टीज ऑफ द डिबेंचर इशू ऑफ द कंपनी. प्रॉपरली उसको वो चेक करना होता है. वेरीफाई वेदर द प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट. ये भी वेरीफाई करना जरूरी होता है कि प्रोस्पेक्टस को फाइल किया गया था या नहीं किया गया था ड्यू डेट से पहले. वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, बट स्टिल द ऑथर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई इट इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस शीट. ये बहुत जरूरी है वेरीफाई करना अबाउट द कैपिटल. कैपिटल का क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया है कि और क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है इन द कैपिटल ऑफ ए कंपनी जो कि बैलेंस शीट में शो किया गया. इन केस ऑफ ए फर्म, अगर ये बैलेंस शीट एक फर्म की है, द ऑडिटर शुड वेरीफाई कैपिटल विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड, विद द हेल्प ऑफ कैश बुक, विद द हेल्प ऑफ पासबुक. ही शुड सी दैट इट हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कितना कितना कैपिटल डिफरेंट पार्टनर्स लेकर आए हैं वो पार्टनरशिप डीड से पता चलता है, तो ये सब चीजें प्रॉपरली वेरीफाई की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ ए फर्म. लेकिन अगर बात होती है कंपनी की, तो वहां पर कैपिटल की वेरिफिकेशन के दो हेड्स हैं. फर्स्ट ऑडिट. इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिट द ऑडिटर शुड एग्जामिन द, फॉर एग्जाम्पल कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम कैपिटल जो है
फॉर द फर्स्ट टाइम उसने इशू करे हैं शेयर्स वगैरह, तो उस केस के अंदर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिट द ऑडिटर्स शुड एग्जामिन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू सी व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल, कि मैक्सिमम कैपिटल कितना कंपनी को अथॉरिटी है रेज करने की, और दूसरा ही शुड चेक ऑल्सो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द कैश बुक, द पास बुक, द मिनट बुक ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एग्जामिन करना जरूरी है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ शेयर और डिफरेंट क्लासेस, कौन कौन से शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों करे हैं कि खाली इक्विटी किए हैं, द अमाउंट कलेक्टेड ऑन ईच शेयर, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है शेयर पे और कितना बैलेंस है जो भी शेयर होल्डर से लेना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉल्स, और शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स, इन केस अगर वेंडर्स को शेयर अलॉट किए गए हैं तो उसके लिए एग्जामिन करना जरूरी है प्रॉपरली द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वेंडर्स एंड द कंपनी। इसके लिए वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं वेंडर के साथ, जो ऑडिटर है कम्युनिकेट भी कर सकता है थ्रू ईमेल, थ्रू लेटर, थ्रू फोन कॉल, कंफर्मेशन लेने के लिए कि जो एंट्री वेंडर के लिए कंपनी ने दिखाई हुई है फॉर द शेयर कैपिटल वो सही है या नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑडिट, नॉर्मली ये वो था फर्स्ट ऑडिट जब फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही होती है शेयर, लेकिन यह सब्सिक्वेंट ऑडिट ये तब किया जाता है नॉर्मली इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स, जब एक पहली बार नहीं जब बाद में भी कंपनी बार बार अगर शेयर इशू कर रही है तो सब्सिक्वेंट ऑडिट होता है और वहां पर भी वेरिफिकेशन होता है द शेयर कैप, ये उन ये तब होता है मान लो शेयर कैपिटल वुड बी द सेम एज इन द प्रीवियस ईयर, जब शेयर कैपिटल के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और जब बहुत ज्यादा जब ऐसा लगता है कि यस देयर आर सम एडिशन बाय द फ्रेश इशू या ऑल्टरेशन कुछ ज्यादा ही हुआ है कंपनी के शेयर कैपिटल में, तो उस केस में सब्सिक्वेंट ऑडिट जो है कराया जाता है, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं होती सब्सिक्वेंट ऑडिट की फॉर द कैपिटल, तब होता है पर्टिकुलरली कैपिटल का वेरिफिकेशन तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर फर्दर ईयर्स में सब्सिक्वेंट ईयर्स में कोई फ्रेश इशू किया हो, एडिशन हुआ हो, कोई बिग ऑल्टरेशन हुआ हो कैपिटल के अमाउंट में, इफ ही कम अक्रॉस एनी चेंज उसको देखना होगा, अगर इन केस उसे लगता है कि देर इज एनी चेंज इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी तो उसे देखना होगा कि जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 94, 95, 100 टू 105 कंपनीज एक्ट वो ड्यूली उनके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ है। नाउ द लास्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नॉट द एक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड दीज लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट अराइज इन द फ्यूचर फॉर पेमेंट। जरूरी नहीं है कि वो अराइज होगी, इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर इवेंट, ऑन द फ्यूचर आउटकम कि अराइज होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम कि क्या प्रोबेबिलिटी है। मोस्टली उन कंटिजेंट लायबिलिटीज को ही शो किया जाता है एज ए फुटनोट इन द बैलेंस शीट जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, द हाई प्रोबेबिलिटी आउटकम्स और मीडियम प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आर शोन इन द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट, अदरवाइज जिनकी बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, उन कंटिजेंट लायबिलिटीज को शो नहीं किया जाता। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज आर आउटस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग लॉ सूट्स, प्रोडक्ट वारंटीज। ऑडिटर्स यूजुअली आस्क मैनेजमेंट टू राइट अ स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग दे डिस्क्लोज्ड ऑल नोन कंटिजेंट लायबिलिटीज। ऑडिटर कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए मैनेजमेंट से एक रिटन स्टेटमेंट मांग सकता है जो स्टेटमेंट ये बताएगी कि मैनेजमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने सभी कंटिजेंट लायबिलिटीज को शो कर दिया है। कंटिजेंट लायबिलिटीज के रिजल्ट के बारे में कुछ श्योरिटी नहीं होती, बस ये होता है कि कुछ होना है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस है जैसे कि आउटस्टैंडिंग लॉ सूट की बात हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ केस अगेंस्ट द कंपनी, देयर मे बी अ चांस ऑफ विनिंग द केस और देयर इज अ चांस ऑफ लूजिंग द केस, बट देयर देयर इज दिस इज नॉट डेफिनेट इन एडवांस कि कंपनी जीतेगी ही जीतेगी, इट मीन्स देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन दैट केस। प्रोडक्ट वारंटी, प्रोडक्ट वारंटी इज ऑल्सो ए कंटिजेंट लायबिलिटी, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट एंड
यू हैव सो मैनी कस्टमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो आप नहीं जान सकते कि हाउ मैनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड. आप नहीं जान सकते कि कितने कस्टमर जो हैं उस प्रोडक्ट को वापस, देयर इज ए एस्टिमेट ओनली. तो उस केस के अंदर वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है. देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल कंपनसेशन टू सम पार्टी इफ द कंपनी क्वेश्चन लोसेस ए सर्टेन केस इन कोर्ट. फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी ने कोई केस जो है वो हारती है इन फ्यूचर, देयर इज अ चांस कि कंपनी जो है केस को हार जाएगी और उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा किसी दूसरी पार्टी को, या दूसरा है कि वो जीत जाएगी उसे कंपनसेशन पे नहीं करना होगा. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप लोग को याद भी रहेगा शायद केस वाला. तो देयर इज टू प्रोबेबिलिटीज राइट. सिंस दिस अमाउंट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद सर्टेनिटी एज लायबिलिटी, इट विल बी शोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी. अब इस जो अमाउंट है कंपनसेशन का उसको एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी शो किया जा सकता है इन द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट. वो कंपनसेशन अमाउंट पे करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है, बट कंपनी हैज टू शो दैट अमाउंट. ऑडिटर्स यूजली आस्क मैनेजमेंट टू राइट स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग दे डिस्क्लोज ऑल द नॉन कंटिंजेंट लायबिलिटी. ये स्टेटमेंट पहले भी मैंने अब एक्सप्लेन करी है प्रीवियस स्लाइड में कि ऑडिटर जो है वो कह सकता है मैनेजमेंट से कि वो अपनी सारी कंटिजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करेगा एक स्टेटमेंट में, और वो स्टेटमेंट वो देगा किसको, ऑडिटर. अब कंटिजेंट लायबिलिटी की वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर को क्या क्या देखना होता है. सबसे पहले ही शुड सर्च फॉर द अनडिस्क्लोज कंटिजेंसीज. उस जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बनाकर दी है अबाउट द कंटिंजेंट लायबिलिटीज सिर्फ वही कंटिंजेंट लायबिलिटीज हो एक कंपनी की, उसके अलावा और भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं की गई है. तो उसको उसके लिए सर्च करना होगा. उसको सर्च करने के लिए उसको डीपली एग्जामिनेशन करना होगा, चेकिंग करनी होगी सभी ट्रांजेक्शंस की. नेक्स्ट इवेल्युएट मटेरियलिटी. उसे ये भी देखना होगा कि जो अमाउंट एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी शो किया गया है बैलेंस शीट में फुटनोट में वो मटेरियल है या नहीं है. मान लो कंपनी की जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसने कंटिजेंट लायबिलिटी का अमाउंट बहुत ज्यादा कम जो है वो डाला हुआ है, तो इट मीन्स दैट अमाउंट इज नॉट मटेरियल. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इवेल्युएट इवेंट लाइकलीहुड. उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये इवेंट जो कंपनी ने शो किया हुआ है कि दिस इज द कंटिजेंट लायबिलिटी, तो वो एक्चुअल मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है इन फ्यूचर कि वो होगा ही होगा वो इवेंट, तो उसकी भी प्रॉपर इवेल्युएशन करनी होगी. जो लिस्ट कंपनी ने बनाकर दी है अपनी कंटिजेंट लायबिलिटीज की इवेंट्स की जो हो सकते हैं फ्यूचर में, उनकी भी इवेल्युएशन उसको करनी होगी. लुक एट प्रोबेबल इवेंट्स. उसको प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी इवेंट्स की कि विच आर हाईली प्रोबेबल इवेंट्स, विच आर मीडियम इवेंट प्रोबेबिलिटी इवेंट्स एंड विच आर लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स. गो थ्रू द मिनट्स बुक ऑफ द मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई होती है रिलेटेड टू द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, रिलेटेड टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी बातें डिस्कस हुई हैं तो उसको वो पता कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द मिनट बुक. सी वेदर प्रोविजन हैज बीन मेड. उसको ये भी देखना है कि प्रोविजन बनाया गया है कंटिजेंट लायबिलिटीज के लिए प्रॉपर. उसे सभी डिटेल्स देखनी होगी उन सभी केसेस में जो कि कंपनी के अगेंस्ट एज अ क्लेम डाले हुए हैं डिफरेंट पार्टीज. चेक एनी सिक्योरिटी गिवन फॉर ए लोन टेकन बाय थर्ड पार्टी. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सिक्योरिटी एज ए गारंटर उसने सिक्योरिटी दी है किसी और के लिए कि अगर वो वाली पार्टी पेमेंट नहीं करेगी तो आई विल पे इन दैट केस. तो ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. वो वाली पार्टी पे कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. तो इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. इन केस अगर उस पार्टी ने पेमेंट कर दी
तो कंपनी का की लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, और इन केस ऑफ पार्टी ने पेमेंट अगर नहीं करी तो वहां पर कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अराइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली. तो दीज आर सम लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी विच शुड बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर प्रॉपरली. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.